तो आज की वीडियो में मेरे दोस्त बात करेंगे इंस्टाग्राम के ब्लू टिक वेरिफिकेशन के बारे में। देखो, इंस्टाग्राम ने कहीं पे भी नहीं बोला है कि आपके एक फॉलोवर होने चाहिए, 10 फॉलोवर, 10,000 या 1,00,000। अगर आपके एक फॉलोवर है तो भी आप ब्लू टिक वेरिफिकेशन ले सकते हो मेरे दोस्त, और 10 फॉलोवर है या 20 फॉलोवर है या 100 फॉलोवर है उन पर आप ब्लू टिक आराम से ले सकते हो। मैंने कई अकाउंट ऐसे देखे हैं जो 100 फॉलोवर भी ब्लू टिक लेके बैठे हैं, वो भी जेन्युइन ऑथेंटिक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ब्लू टिक ले सकते हो, जेन्युइन तरीका, ऑथेंटिक तरीका, बिना पैसे लगाए, सारी चीज़ को वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। अगर आपकी रील की वीडियो वायरल नहीं हो रही है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपको टाइमिंग नहीं पता है कब क्या पोस्ट करनी है, तो आप प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। रील के बारे में सारी डिटेल में वीडियो बन चुकी है, शायद आपका उससे कुछ फायदा हो जाए। तो आते हैं आज के टॉपिक पर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू टिक वेरिफिकेशन क्या होता है, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो क्राइटेरिया है, वो मैं थोड़ा सा बाद में कवर करूंगा। उसके पहले मेरे को आपको 2-3 पॉइंट कवर करने हैं, वो मैं कवर कर देता हूं। पहला जो तरीका है वो है फ्रॉड वाला तरीका, फेक वाला तरीका। आपको कोई भी इंस्टाग्राम में डीएम आता है, कोई भी आपको मैसेज आता है, कहीं से भी आपको कॉल आता है, कहीं पे भी आपको व्हाट्सअप पे कॉल आता है, या कोई भी बंदा आपको फिजिकली मिलता है, अगर वो ये चीज़ बोलता है कि मैं आपका ब्लू टिक वेरीफिकेशन करा दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, चाहे वो आपसे 10 रुपये मांग रहा है या 10 लाख रुपये मांग रहा है, उसको आपको 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री तरीका है, फ्री तरीका, यहाँ कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो फेक और फ्रॉड इस चीज़ में मत फंसना। चाहे आपको कोई इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहा है, मना कर दो कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ब्लू टिक वेरिफिकेशन चाहिए ही नहीं, जब मेरे को चाहिए होगा मैं अपने आप ले लूँगा, मैं आपको आगे बताऊंगा आप कैसे क्या लोगे। तो आपको बिल्कुल भी फेक और फ्रॉड वाले में नहीं फंसना, चाहे वो आपको फिजिकली कोई बोले, चाहे आपको कॉल करके बोले, कोई व्हाट्सअप पे बोले, कोई डीएम करके बोले, चाहे आपका कितना ही वो क्लोज वाला हो, आपको उसकी बात नहीं माननी है। और लोग आजकल नया तरीका एक चीज़ और अपना रहे कि आप मुझे अभी पैसे मत दो, मैं आपका वेरीफिकेशन करवा देता हूँ, उसके बाद में आप पैसे देना। तो आप इस जाल में भी मत फंसना मेरे दोस्त। ये हो गया सीओडी, घर पे माल आया उसके बाद पैसे देना। लेकिन सीओडी में क्या होता है, आपके पास सामान आता है, आप उसको चेक करके पैसे दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी सीओडी वाला लफड़ा नहीं है मेरे दोस्त। वो कहाँ से फेक वाला ब्लू टिक देते हैं, वो कल आज दिया कल भी हट जाएगा, और उसका कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, वो फेक होता है। अगर इंस्टाग्राम को पता चला तो आपका अकाउंट भी बैन कर सकता है, परमानेंट डिलीट भी कर सकता है, और टर्मिनेट भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों से बच के रहो मेरे दोस्त, कोई भी फेक फ्रॉड वाले लफड़े में मत फंसो, और किसी को भी पैसा मत देना। अब जो अगली चीज़ आती है, वो आपको अप्लाई करने से पहले जो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके आसपास के न्यूज़ है, जो आपके थोड़े से लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें आपको क्या करना है, आपकी कोई भी न्यूज़ आपको डलवा देनी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई अचीवमेंट किया है, कहीं पर आप पास हुए हो, कोई आपको डिग्री मिली है, कुछ भी अच्छी चीज़ हुई, आपके देखो पैसे लगेंगे थोड़े से, लेकिन उस चीज़ में आपको ब्लू टिक मिलने में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, वहाँ पैसे देने से अच्छा है। और अगर आपका जान पहचान वाला कोई न्यूज़पेपर वाला है, कोई आपका जान पहचान वाला है, जो आपका रिलेटिव है या क्लोज फ्रेंड है, जो भी है, तो वहाँ से आप क्या करोगे, आप जो एक दो न्यूज़पेपर आपके लोकल है, आप दैनिक भास्कर हो गया, आप पत्रिका हो गया, वो सब जो बड़े न्यूज़पेपर है, नेशनल लेवल के टाइम्स ऑफ इंडिया, वो सब में आप तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि उनकी फीस ही लाखों में चल जाती है, वो नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल जो आपके लोकल न्यूज़पेपर है उनमें आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको आपका जो आर्टिकल है छोटा मोटा कुछ भी डलवा देना है। जैसे आपने कहीं पे पेड़ भी लगाए हैं 10 पेड़, तो उसकी आप फोटो डला के लगा सकते हो कि हमने पेड़ लगाए हैं 10 जगह पे, या आपने कोई अचीवमेंट किया या कुछ भी किया, कोई फंक्शन में आप गए हो, कोई पॉलिटिशियन का फंक्शन था, वहाँ की कोई न्यूज़ आई है, तो अपना नाम वहाँ पे ऐड करवा दो, कुछ भी करके आपको 2-3 आर्टिकल न्यूज़पेपर में डलवाने हैं। उससे क्या होगा, वो जो न्यूज़पेपर है, नॉर्मल सी बात है, सारे न्यूज़पेपर आजकल ऑनलाइन डलते ही डलते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा ये चीज़ आपको कैसे काम आएगी। तो ये करवा देना आपको। कोई भी दोस्त अगर आपका है, कोई जान पहचान वाला है जो वेबसाइट वगैरह का काम करता है, कोई वेबसाइट वगैरह चलाता है, आर्टिकल वगैरह लिखता है, ब्लॉग पोस्ट लिखता है, तो आप उनको बोल दो कि मेरा एक ब्लॉग पोस्ट डाल दे भाई तेरे में, प्लीज़ आर्टिकल डाल दे, कुछ 100, 200, 500 जो तेरे को लेने ले ले, तो आपको वो काम करवाना है। अगर वो नहीं भी हो रहा तो न्यूज़पेपर वाला तो आप करवा ही देना। आप चलते हैं क्राइटेरिया की तरफ, मैं आपको क्राइटेरिया भी बताऊंगा और अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। अब आपको देखिए, सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना। जैसे मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, आपको ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पे एड्स के नीचे आपको अकाउंट दिख रहा है, आपको सिंपली अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करना है, रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसको करने के बाद जो स्टार्टिंग में बताया, ये देखिए ये खुल गया। अब सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरीफिकेशन। अब कन्फर्म ऑथेंटिसिटी, इसमें आपको सबसे पहले यूजर नेम है ना, इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते, वो आपका जो है वो लिखाएगा। फुल नेम में मैं अपना फुल डाल दूंगा, अंकित पारिक। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको वो डालना है जो आप, मतलब जो आपके पास है। जैसे मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट करके मैं चूज फाइल में जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को अपनी पासपोर्ट वाले की वो फोटो डालनी पड़ेगी, ठीक है, फ्रंट पेज की। आप जो भी कर रहे हो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा फोटो। उसके बाद देखिए नीचे जो ये है कि आप कौन से कैटेगरी वाले हो, तो कैटेगरी में देखिए मैं जो फैशन फोटोग्राफी वगैरह डालता हूँ फोटोज मेरी, तो मैं अपना फैशन करूँगा। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरी कंट्री, मेरी मतलब अपनी जो कंट्री है इंडिया, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। इंडिया मैंने सर्च कर लिया, ये देखिए ये हो गया। उसके बाद नीचे ऑडियंस और ऑल्सो नॉन एज, ये ऑप्शनल है, आपको जरूरत नहीं होती डालने की, अगर आप डालना चाहते हो तो नीचे पढ़ लेना वो क्या है, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए जो लिंक वाला है वो आ चुका है। अब आपको यहाँ पे 5 लिंक डालनी है। देखिए लिंक 1 पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए सोशल मीडिया
मीडिया आर्टिकल जो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वही चीज़ यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल उसकी जो लिंक है वो यहाँ पे आप आके पेस्ट कर देना, जो भी न्यूज़पेपर आपने डलाया वो ऑनलाइन जाता ही है उसकी न्यूज़ आर्टिकल करके डाल देना, दूसरे वाले में न्यूज़ आर्टिकल, तीसरे वाले में कोई सोशल मीडिया वाला जो वेबसाइट वाला है वो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कोशिश करो 5 डालने का, लिंक 4 लिंक 5 8 लिंक पे क्लिक करोगे 5 लिंक आप 3 न्यूज़पेपर की बना दो, 2 सोशल मीडिया की बना दो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो आप नीचे लिखा हुआ ना कि ये इन्फॉर्मेशन जो आप भेज रहे हो उसको हम तभी करेंगे जब ये ओरिजिनल होगी, आपको अगर वेरिफिकेशन भेज देंगे ना तो ये ओरिजिनल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्त इसीलिए मैंने आपको कहा था आप न्यूज़ वाला और ये जो सोशल मीडिया वाला वो करा लोगे तो आपको बहुत जल्दी वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके इतने फॉलोवर होने चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।